लिविंग रूम में अगर ये सब कलर करेंगे तो इट विल बी अ बिग डिजास्टर। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम अनन्या है और आप देख रहे हैं इंटीरियर माता। अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग, क्योंकि मैं एक इंटीरियर डिजाइनर हूँ और इस चैनल में मैं इंटीरियर डिजाइन रिलेटेड सारे वीडियोस बनाती हूँ। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कलर्स के ऊपर। जब से मैंने ये चैनल चालू किया है, मैं पहले भी वीडियोस बना चुकी हूँ कलर के ऊपर, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा जो मेल आते हैं वो कलर्स रिलेटेड मेल्स ही आते हैं, या फिर इंस्टाग्राम में भी जो मैसेजेस आते हैं तो वो भी कलर्स रिलेटेड है। कमेंट सेक्शन में भी मैं समझ सकती हूँ कि बहुत कन्फ्यूजन है कलर्स को लेके। तो मैंने सोचा कि एक स्ट्रेट फॉरवर्ड मैं वीडियो बनाऊँ जहाँ पर मैं आपको कलर्स के बारे में क्लियर एक आइडिया दूँ। पहले सेक्शन में हम लोग बात करेंगे उन पांच कलर के बारे में, जो पांच कलर बिल्कुल आप कभी आपके लिविंग रूम में वो सब कलर करेंगे तो आप कभी गलत नहीं होंगे। ऑलवेज आपका लिविंग रूम अच्छा ही दिखेगा इनमें से कोई भी कलर आप चूज़ करें। उसके साथ मैचिंग भी मैं आपको कलर बताते जाऊँगी। पहला ऑप्शन है येलो। नाउ आपने मेरी वीडियोस में देखा होगा कि मैं येलो एंड मस्टर्ड येलो कलर्स काफ़ी यूज़ करती हूँ। मेरे घर में काफ़ी जगह पे मैंने येलो वॉल्स किया है। येलो कलर वास्तु के हिसाब से भी लिविंग रूम्स के लिए बहुत अच्छे होते हैं, बहुत शुभ कलर माना जाता है और आपके लाइफ में एक ब्राइटनेस, एक जॉय लाता है ये कलर। इसके लिए आप आपके घर में येलो कलर कर सकते हैं। येलो कलर के साथ वाइट एंड ऑफ वाइट कलर बहुत अच्छा लगता है। तो एक वॉल को आप येलो कलर कीजिए और बाकी वॉल्स को व्हाइट और ऑफ वाइट कीजिए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कलर, मरून। मरून कलर जो है वो काफ़ी अंडररेटेड हो गया है। अभी बहुत लोग मरून कलर को लेके ट्राई आउट नहीं कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है अगर आप मरून को अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट करें तो बहुत अच्छा लगता है। अगर आप मरून कलर आपके लिविंग रूम में कहीं पे करते हैं तो एक ही वॉल में कीजिए, क्योंकि कलर जो है वो काफ़ी डार्क है। बाकी वॉल्स को वाइट रखिए, प्योर वाइट, नॉट इवन ऑफ वाइट, वाइट रखिए। तो रूम जो है काफ़ी बड़ा लगेगा, काफ़ी वाइब्रेंट लगेगा और मरून कलर के ऊपर ही आपकी जो पूरी अट्रैक्शन है लिविंग रूम की वो जाएगी। तो आपकी एक्सेंट जो वॉल होगी वो मरून कलर की कीजिए। नेक्स्ट कलर होगा ऑरेंज। अगेन ऑरेंज मैं इसलिए सजेस्ट कर रही हूँ क्योंकि ऑरेंज बहुत एक वाइब्रेंट कलर है, बहुत एक पॉजिटिविटी आती है। वास्तु के हिसाब से भी ऑरेंज कलर बहुत अच्छा होता है। हमारी दुनिया की जो सबसे पॉजिटिव चीज़ है वो है सूरज, सनलाइट्स। और सनलाइट जब हमारे यहाँ पर आती है, हम किस कलर से रिप्रेजेंट करते हैं, येलो ऑरेंज, इन्हीं कलर्स में से सन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। जब भी आप लिविंग रूम में ऑरेंज कलर करें तो आपकी जो पॉजिटिविटी है, आपकी जो एनर्जी है वो काफ़ी बढ़ी रहेगी। जो घर में आपके दोस्त आएंगे, जो रिलेटिव्स आएंगे, वो भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील करेंगे और आपके साथ ज़्यादा कनेक्टेड फील करेंगे। ये सारे कलर थियोरीज़ में आते हैं। अगर आप कलर थियोरीज़ नहीं जानते हैं तो आप मुझे ज़रूर बताइए, मैं आपको कलर थियोरीज़ भी किसी वीडियो में किसी दिन और दिन समझाऊँगी। ये सारे ना पॉजिटिव कलर्स हैं तो आपके घर में एक पॉजिटिविटी लाएगी, आपको आप बहुत पूरे दिन बहुत एनर्जाइज्ड फील करेंगे और आपके घर में जो गेस्ट आएंगे, जो लिविंग रूम में बैठेंगे, बात करेंगे, उनको भी वो पॉजिटिविटी फील होगी। इसीलिए ये सारे कलर्स बहुत अच्छे होते हैं। दीज आर वार्म कलर्स, बहुत पॉजिटिव कलर्स हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कलर, ऑफ वाइट। अगर आपकी रूम छोटी है, आपकी लिविंग रूम में कम स्पेस है तो आप ऑफ वाइट कीजिए। एंड द नेक्स्ट कलर इज़ वाइट। तो ऑफ वाइट एंड वाइट, दिस टू कलर्स, माय फोर्थ एंड फिफ्थ कलर्स आर यूनिवर्सल कलर्स। कोई भी डिज़ाइन हो, कोई भी आपके फर्नीचर हो, मॉडर्न फर्नीचर हो, एंटिक फर्नीचर हो, ये दोनों कलर्स कभी कभी मिस नहीं हो सकते। अगर आपको बिल्कुल भी कलर के आइडिया नहीं है, आपको पता नहीं चल रहा है आपको क्या कलर करना चाहिए, डेफिनेटली आप सिर्फ चारों वॉल को ऑफ वाइट या फिर वाइट कीजिए। उसके बाद पिक्चर्स लगाइए वॉल पे, कुछ डिज़ाइन कीजिए। एक वॉल को हाईलाइट करने के लिए आप वॉलपेपर भी लगा सकते हैं। ये जो कंसेप्ट है ना, ये आपका कभी गलत नहीं हो सकता। तो डेफिनेटली अगर आप सेफ प्ले करना चाहते हैं तो डेफिनेटली गो फॉर व्हाइट एंड ऑफ वाइट। ऑल्सो दिस कलर्स आर रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिगेंस। अगर आप बहुत एक सोफिस्टिकेटेड लुक लाना चाहते हैं तो भी इन कलर्स को ज़रूर ट्राई करें। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस वीडियो, जहाँ पे मैं बात करने वाली हूँ थोड़े से डिफरेंट कलर्स के ऊपर। अगर आप थोड़ा सा प्ले करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कुछ इंटरेस्टिंग आपके घर में करें, एंड ऑलरेडी आपको कलर्स के बारे में थोड़ा नॉलेज है, आपको पता है कि कौन से कलर्स के साथ कौन से कलर अच्छे लगते हैं, तो ये सेगमेंट आपके लिए है। इस सेगमेंट में जो पहला कलर है वो है पेस्टल पिंक। नाउ पेस्टल पिंक बहुत ज़्यादा ट्रेंडी हो चुका है। पेस्टल के सारे कलर्स बहुत ट्रेंडी है।
एंड आपको पता ही होगा पेस्टल कलर के साथ हम लोग कितने सारे मिक्स एंड मैच कर सकते हैं। तो पेस्टल कलर्स में से सबसे जो ट्रेंडीएस्ट कलर है वो पेस्टल पिंक है। मैं पर्सनली पेस्टल पिंक को बहुत पसंद करती हूँ। आप अगर किसी बेडरूम में या फिर लिविंग रूम में स्पेसिफिकली पेस्टल पिंक के साथ खेलना चाहते हैं, गो फॉर इट। आपके साथ पेस्टल पिंक के दो या तीन वॉल लिविंग रूम में काफ़ी अच्छा लगता है। उसके साथ आपके फर्नीचर अगर आप वाइट रखें और गोल्ड एक्सेंट दे तो अच्छा लगता है, एंड बहुत एक लग्जरियस लुक आती है इसमें से। तो पेस्टल पिंक विल बी माई फर्स्ट चॉइस। सेकेंड चॉइस विल बी ग्रे। नाउ इंडियन एक साइकोलॉजी वाइज हम लोग ग्रे और ब्लैक को हम लोग बुरा मानते हैं। अगेन कलर थियोरीज में काफ़ी जगह पे बोला गया है कि ग्रे को यूज़ ना किया जाए, लेकिन मुझे ये समझ है कि ग्रे जो कलर है पर्सनली ये ख़राब नहीं होता है। अगर आप बहुत ज़्यादा ग्रे यूज़ करते हैं तो द रूम एंड द हॉल बिकम्स डार्क, लेकिन अगर आप थोड़ी थोड़ी जगह पे ग्रे यूज़ कर रहे हैं इट लुक्स रियली ऑसम। क्योंकि आजकल की जितने भी रस्टिक डिज़ाइन है, जितने भी इंडस्ट्रियल डिज़ाइन है या फिर स्कैंडिनेवियन डिज़ाइन है, सब जगह पे हम लोग ग्रे ही यूज़ करते हैं एंड ग्रे लुक्स मार्वेलस गाइस। डेफिनेटली आप ग्रे के साथ अगर खेलना चाहते हैं तो जाइए, ग्रे एंड वाइट टुगेदर लुक्स रियली गुड। अगेन इंडस्ट्रियल डिज़ाइन या फिर स्कैंडिनेवियंस में ग्रे काफ़ी यूज़ होता है और अच्छा भी लगता है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कलर, दिस कलर विल बी बॉटल ग्रीन। नाउ स्पेसिफिकली बॉटल ग्रीन इज़ अ वेरी रॉयल कलर। अगर आप पुराने ज़मानों के इंडियन आर्किटेक्चर देखें, इंडियन फर्नीचर्स देखें, तो आप नोटिस करेंगे कि वहाँ पे बहुत कलरफुल, बहुत वाइब्रेंट बॉटल ग्रीन यूज़ किया जाता था। क्योंकि ग्रीन जो वो स्पेसिफिक कलर है वो रॉयलिटी के साथ बहुत अच्छे से जाता है। तो अगर आप एक फ़ैन हैं कि आपको एंटिक डिज़ाइन पसंद है, आपको कुछ डिफरेंट करना है, तो डेफिनेटली गो विद दिस कलर। इसके साथ गोल्ड एक्सेंट पीसेस बहुत अच्छे लगते हैं। अगर आप शौकीन है कि आपके घर को एक रॉयल लुक देंगे तो आपके लिए बॉटल ग्रीन परफेक्ट कलर होगी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कलर, दिस विल बी नेवी ब्लू। नॉट द स्काई ब्लू, नॉट द रेगुलर ब्लू जो हम लोग हर जगह पे देखते हैं, बट नेवी ब्लू द डार्केस्ट ऑफ ऑल ब्लूज। नाउ मैं इस कलर को क्यों प्रेफर करती हूँ कि अगेन इसके साथ जो रॉयलिटी है वो हमेशा बहुत अच्छे से जाता है। पुराने दिनों में जो यूरोपियन डिज़ाइंस होते थे उसमें काफ़ी ब्लू की यूज़ की जाती थी, स्पेसिफिकली नेवी ब्लू की। नाउ नेवी ब्लू की जो यूजेज है वो काफ़ी अभी के मार्केट में बहुत कम हो गया है। अगर आपके घर में आप कुछ डिफरेंट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप एक या दो वॉल को नेवी ब्लू कर सकते हैं लिविंग रूम्स में, एंड उसके साथ फर्नीचर जो है वो भी गोल्ड कलर के अच्छे लगते हैं जैसे बॉटल ग्रीन में लगता है। और आपके घर में एक रॉयलिटी आपको लाना है तो भी नेवी ब्लू बहुत अच्छा है। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन करना चाहूँगी, वास्तु के हिसाब से ब्लू जो कलर है उसको अगर आप कंटिन्यूअसली देखते रहे तो हो सकता है कि आपको डिप्रेशन का आप शिकार हो जाए। वैसे भी बहुत लोग आजकल डिप्रेस्ड रहते हैं, बहुत कंपटीशन ज़्यादा हो गई है, तो ब्लू का यूज़ बहुत ज़्यादा मत कीजिए। थोड़े से कॉर्नर में या फिर एक फर्नीचर में या फिर कर्टन्स के साथ ऐसे ब्लू को प्लेस कीजिए, या फिर कुशन कवर्स, वेलवेट ब्लू कलर के कुशन कवर्स बहुत अच्छे लगते हैं, उनके साथ आप जाइए, ना कि बहुत सारे ब्लू वॉल्स के साथ। सो दिस विल बी माई फोर्थ कलर, एंड लेट्स मूव ऑन टू माई नेक्स्ट कलर विच विल बी सी ग्रीन। नाउ आई एम ऑब्सेस्ड विद सी ग्रीन। नहीं, मैं बहुत सारे कलर के साथ ऑब्सेस्ड हूँ। जब कोई मुझे आके पूछता है कि मेरा फेवरेट कलर क्या है, मेरा कोई फेवरेट कलर नहीं है, क्योंकि मैं सारे कलर्स को पसंद करती हूँ। मैं अप्रिशिएट करती हूँ कि मेरे पास भगवान ने ये आँखें दी है, दुनिया में इतने सारे कलर्स हैं। मैं सारे कलर्स को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करती हूँ। मुझे लगता है कि ये हमारे एक प्रिविलेज है कि हम लोग इस कलर को, सारे कलर्स को देख सकते हैं, उनको फील कर सकते हैं, देख के फील कर सकते हैं, एंड हर एक कलर का एक अलग रिप्रेजेंटेशन होता है। तो मेरी कोई फेवरेट कलर नहीं है इसके वजह से। सी ग्रीन जो है वो काफ़ी सुकून लाएगी आपकी ज़िंदगी में, बहुत खूबसूरत लगती है। जितने भी आजकल बहुत फेमस टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, जैसे बाली पकड़ लीजिए या फिर हवाई पकड़ लीजिए, जितने भी फेमस जगहें हैं ना, वहाँ पे जो आपको सी देखने को मिलेगी वो क्रिस्टल क्लियर ब्लू होती है या फिर ऐसे ब्लूइश ग्रीन होता है, क्योंकि वो भी बहुत एक प्योरिटी की रिप्रेजेंटेशन होती है। वास्तु के हिसाब से भी है और हमारे नॉर्मल बिना वास्तु के हिसाब से भी है।
तो मैं डेफिनेटली आपको सजेस्ट करूँगी, अगर आपको पीस एंड काम एंड आराम का एक ज़िंदगी चाहिए और आपको बहुत सूदिंग एक घर चाहिए, तो आप लिविंग रूम के लिए सी ग्रीन ट्राई कर सकते हैं, बिकॉज आई एम श्योर उसको करने के बाद आपका घर जो है काफ़ी खूबसूरत लगेगा। इसके साथ वाइट कलर काफ़ी अच्छा जाता है, एंड थोड़े से मिक्स एंड मैच करने के लिए सारे जो नेचुरल आइटम्स होते हैं, नेचुरल वुड, बैम्बूज, ये सारे मटेरियल्स यूज़ कीजिए और आपका घर बहुत खूबसूरत लगेगा। नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट सेगमेंट ऑफ दिस वीडियो, जहाँ पे मैं आपको बताऊँगी कौन से कलर लिविंग रूम में बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि वो सारे कलर्स को हम लोग बहुत डिज़ाइनर तरीके से अगर एग्जीक्यूट ना करें तो आपका घर बहुत ख़राब भी लग सकता है। आई एम सॉरी टू से दैट, बट ऑनेस्टली ये सारे कलर्स एग्जीक्यूट करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। ऐसा नहीं है कि आपका पसंद है और आप नहीं कर सकते हो, आप डेफिनेटली कर सकते हो, लेकिन उसको बहुत डिज़ाइनर तरीके से एग्जीक्यूट करना इज़ अ टोटली डिफरेंट थिंग। तो मैं इन सब कलर्स को आपको सजेस्ट नहीं करूँगी। पहला कलर है रेड। जो प्योर रेड कलर होता है वो बहुत एक यंग एक रिप्रेजेंटेशन होता है, मतलब हमारी खून की कलर रेड है, सारे जो सिग्नल की तरह कलर जो है वो रेड है, सारे जो डेंजर्स होते हैं ना उनके कलर्स रेड होते हैं। तो लिविंग रूम के लिए आप किसी कोई भी घर में आ रहा है, आप रेड देके उनको डराना मत, तो रेड कलर को कभी मत कीजिए। उसके साथ वाइट अच्छा जाता है, लेकिन जो प्योर रेड है ना उसके साथ फर्नीचर मिक्स एंड मैच करना भी बहुत डिफ़िकल्ट है। अगर आपको रेड पसंद है और आपको लिविंग रूम में रेड देना है तो डोंट गो फॉर रेड वॉल्स, इंस्टेड गो फॉर रेड कर्टन्स, रेड कुशन कवर्स, मे बी कारपेट, नॉट कारपेट बट मे बी एक्सेंट पीसेज इन रेड, थोड़े थोड़े रेड डालिए, ना कि पूरे घर में रेड कलर कीजिए। लिविंग रूम में किसी भी वॉल में रेड कलर मत कीजिए, दैट्स अ बिग नो। द नेक्स्ट कलर ऑफ दिस सेगमेंट विल बी ब्लू। नाउ ब्लू के अंदर सी ग्रीन भी मैंने बोला है जो अच्छा लगता है, देन पेस्टल ब्लू इज ऑल्सो नाइस, देन नेवी ब्लू इज ऑल्सो अ वेरी नाइस कलर, लेकिन जो रियल ब्लू होता है उसकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो अगर लिविंग रूम में अच्छी तरीके से नहीं किया जाए तो इट कैन बी अ डिज़ास्टर। इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि ब्लू के साथ मत जाइए। अगर आपको बहुत अच्छा लगता है ब्लू तो ब्लू के थोड़े थोड़े पीसेस लगाइए, कहीं पे आप कर्टन्स में डाल सकते हैं या फिर फ्लावर वर्स में ब्लू, आप एक फ्लावर वर्स ले सकते हैं, ऐसे एक्सेंट पीसेस के अंदर ब्लू लीजिए, ना कि बहुत ज़्यादा ब्लू। अनटिल अनलेस यू आर अ एक्सपर्ट इन डिज़ाइन, अगर आप वो होते हैं तो अलग बात है, अदरवाइज हम कॉमन लोगों के लिए ब्लू को अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट करना बहुत डिफिकल्ट होता है। एंड द लास्ट कलर विल बी पिंक। नाउ आप में से बहुत लोग बहुत गुस्सा कर रहे होंगे कि अनन्या क्या बोली है, उन्होंने बोला था कि पेस्टल पिंक बहुत अच्छा होता है। जी हाँ, पेस्टल पिंक बहुत अच्छा होता है, लेकिन जो पिंक कलर है, जो स्पेसिफिकली नॉर्मल पिंक कलर है, वो अगेन एग्जीक्यूट करना बहुत मुश्किल है। मेरी बात प्लीज़ ध्यान से सुनिए, जब भी आप लिविंग रूम का कलर कर रहे हैं, अगर आपको लग रहा है आपको पिंक करना है तो पेस्टल पिंक के साथ जाइए, ना कि नॉर्मल पिंक के साथ। इसके पीछे एक बहुत बड़ी रीज़न है कि पिंक जो कलर है, जो नॉर्मल पिंक कलर है, उसके साथ फर्नीचर्स जो है वो वाइट होने चाहिए, लेकिन इंडिया में जो मैक्सिमम फर्नीचर मिलते हैं वो सारे वुडन कलर के मिलते हैं। अगर आप आपके घर में एग्जिस्टिंग ऑलरेडी फर्नीचर है वुडन कलर के है, देन आप सोचिए भी मत पिंक कलर के वॉल्स करने के लिए, लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि इंटीरियर करवाएंगे तो आप पिंक के साथ जा सकते हैं, लेकिन दैट विल बी पेस्टल पिंक, नॉट द नॉर्मल पिंक, क्योंकि उसको अगेन रिप्रेजेंट करना, उसको अच्छे से डिज़ाइन करना इज़ डिफ़िकल्ट। पिक्चर्स में अच्छा लगता है, लेकिन प्रैक्टिकली जब एग्जीक्यूट होता है साइट में वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। सेम गोज़ विथ पर्पल। पर्पल भी पिंक के जैसा ही है, देखने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन एक्चुअली में जब हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं इंटीरियर में तो वो अच्छा नहीं लगता है। सो दिस वॉज इट। आपको शायद इस वीडियो को देखने के बाद आपके लिविंग रूम के कलर के बारे में कुछ कन्फ्यूशन दूर हो गई होगी। अगर आपको फिर भी कन्फ्यूशन है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछिए। अगर मैं हेल्प भी नहीं करती हूँ, अगर आप कोई और आपका कमेंट देख रहा है उनको अगर पता है क्या करना है तो प्लीज़ उनको हेल्प आउट कीजिए, ताकि हम लोग एज अ कम्युनिटी ग्रो कर सके। ऑल्सो मुझे इंस्टाग्राम में जाके फॉलो कीजिए, क्योंकि इंस्टाग्राम में मैंने ऐसे कुछ पोस्ट डालती हूँ जहाँ पे मैं कलर्स के नंबर के साथ बताती हूँ कि कौन सा कलर आपको यूज़ करना चाहिए, ताकि आप वहाँ से जाके शॉप में जाके वही कलर चूज़ कर सके, एंड योर होम विल बी ब्यूटिफुल। एंड यस, दिस वॉज इट गाइज, आई होप यू एंजॉय द वीडियो। अगर अच्छा लगा है तो डोंट फॉरगेट टू गिव अ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में गाइज, वो थोड़ी सी डिफरेंट
काइंड की वीडियो होगी, सैटरडे आएगी वो वीडियो, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल।